रनिंग वाटर में सब कुछ धोइए। जो उसके बटन्स हैं ये बटन्स लगा दीजिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज मैं अपना हेलमेट वॉश करने वाला हूँ। मैंने इसके बारे में अपने एक वीडियो में कहा था, जिसका लिंक इधर आई बटन में आ जाएगा। वो आप देख सकते हो कि अपने वाइजर में अगर आपके फॉग जमा होती है तो आप उसको कैसे खत्म कर सकते हो, जिससे आपको बरसात के सीजन में चलाने में आसानी हो। तो बरसातों का सीजन अभी चालू हुआ है तो ये बहुत जरूरी है। मेरा हेलमेट बहुत गंदा है अंदर से तो मुझे धोना पड़ेगा। तो मैं सोचा क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बना लिया जाए, जिससे आपको भी फायदा हो। तो अगर आपने अपना हेलमेट नहीं धोया है 1 साल 2 साल 3 साल से, तो आप ये वीडियो फॉलो करो। तो आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखो और इससे आपको जरूर फायदा होगा। और दूसरी चीज ये कि अगर आपके हेलमेट 5 साल से ज्यादा पुराना है तो उसको धोने की जरूरत नहीं है, उसे फेंक दो और दूसरा नया हेलमेट लो, क्योंकि 5 साल ही लाइफ होती है एक हेलमेट की, चाहे आप उसे यूज करो या मत करो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि डू इट एट योर ओन रिस्क। मेरी कोई गारंटी नहीं है अगर आपका हेलमेट खराब हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में गंदे गंदे कमेंट्स मत लिखना अगर आपके हेलमेट को कुछ हो जाता है। मेरे हेलमेट को आज तक कुछ नहीं हुआ है, मैं 2 बार धो चुका हूँ, ये 3री बार धो रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो पूरा स्टार्ट टू एंड फॉलो करोगे और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करोगे तो आपके हेलमेट को कुछ नहीं होगा। बट अगेन, डू इट एट योर ओन रिस्क। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कि लाइक या डिसलाइक का बटन दोनों में से एक जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि लोग क्या होता है कि वीडियो पूरा देखते तो हैं लेकिन लाइक या डिसलाइक प्रेस नहीं करते। तो लाइफ में कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, कोई एक चीज लाइक या डिसलाइक जरूर प्रेस करके जाना। वो क्या होता है ना कि फीडबैक पता नहीं चलता है, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये लाइक डिसलाइक कॉमेंट्स इन चीजों से पता चलता है कि आप बराबर काम कर रहे हो कि नहीं। तो कुछ ना कुछ जरूर प्रेस करके जाना। अच्छा लगा है तो थम्स अप देके जाना और बुरा लगा है तो डिसलाइक दबा के जाना। ये हेलमेट है मेरा जो बहुत गंदा हो गया है। तो हेलमेट को धोने से पहले हम लोग इसमें से सारी इसकी फिटमेंट्स ये निकालेंगे, विंडशील्ड निकालेंगे, अंदर की पैडिंग्स निकालेंगे, और आपने कुछ माइक वगैरह लगा रखा है तो वो आपको निकालना पड़ेगा। साथ में ये सब फोम वगैरह सब निकलेगा और धुलेगा। ये सेपरेटली मैं धोऊंगा और हेलमेट सेपरेटली धुलेगा। इसको निकालते हैं तो ये ऐसे बाहर आ गया, यहाँ रखिए, फिर नीचे जाइए, ये सब निकालिए, ये सब निकल आता है। और इसके अंदर यहाँ मेरा ये माइक है तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, बीच में से निकालिए। तो ये एक पैडिंग इसकी बाहर आ गई, यहाँ बटन है, इसको बटन को यहाँ से खोलिए, तो ये एक पीस हो गया, यहाँ रखिए। साथ में ये दूसरा पीस हो गया, उसको भी निकाल के यहाँ रखिए। ये तीसरा पीस हो गया जो कि पूरा इधर से जाता है। तो ये मेरा माइक्रोफोन है जो मैंने लगा रखा है ऐसा, तो ये मैं अभी निकाल लूँगा। तो ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा और ये आगे यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको अंदर से ऐसे पुश करेंगे आप तो ये ऐसे एक बार में निकल आएगा। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मैं वॉशिंग मशीन में सेपरेटली धोऊंगा तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगी। पहले पानी प्रिपेयर करते हैं। तो पानी में सबसे पहले हम डिश सोप डालेंगे, क्योंकि डिश सोप सबसे पावरफुल होता है स्टिकी डस्ट निकालने के लिए। तो हम ये यूज़ करेंगे। आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो, हेलमेट अगर कम गंदा है। मेरा 1 साल में धुल रहा है तो मैं ये यूज़ करूँगा। तो उसको ऐसे डालिए, उसके बाद अपना हेलमेट लीजिए और हेलमेट को पूरा इसके अंदर आप डुबो दीजिए। तो आप अच्छे से इसको ऐसे वॉश कर सकते हैं। ये सोप जो है हर जगह से जाएगा और डस्ट ब्रेक डाउन कर देगा। फिर आप ऐसा कोई ब्रश ले सकते हैं, इसको ऐसे कीजिए और इसके जो ये वेंट्स हैं इनको आप ऐसे साफ कर सकते हैं ब्रश लेके। जिस भी जगह पे ऐसा डस्ट भरती है उसको आप ऐसे स्क्रब कर सकते हैं।
उसके बाद इसको ड्रेन करिए। रनिंग वाटर में सब कुछ धोइए। और ये डन, आपका हेलमेट धुल गया। तो इसके बाद आती है वाइजर की बारी। वाइजर पे थोड़ा पानी डालिए, इसको आप किसी भी नॉर्मल हैंड सोप से या किसी भी चीज से वाइप कर सकते हो। ये सिर्फ हाथ से ही हो जाएगा, इसमें कोई आपको ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये तो इमीडिएटली साफ हो जाता है। ये हो गया, इसके बाद नल खोलिए और इसको धो लीजिए। Next thing that you need to do is take like half a bucket of water and add some detergent to it. I'm using this. I have this Surf Excel Matic liquid. Then you open this, you pour it, keep it aside. Just dip all of these. Do it. Just keep them and just let them soak for a couple of hours. Now, once it is soaked, you have to put it in the washing machine. You can wash it with hand as well, but if you do it in a washing machine, it would be better. But don't put it along with other clothes because it can stretch and tear. And put the entire thing in. Just add water to it. Then it will wash it, it will rinse it, and then it will spin it. It will dry it as well. So if you look at this, it's in the washing machine now. तो इसको अपना काम करने देते हैं। ये तकरीबन एक घंटा लेगा। यहाँ पे टाइमर देखिए, एक घंटे का दिखा रहा है। तो ये हेलमेट रात भर से सूख रहा है ऐसे ही, और साथ में इसके पैड्स हैं जो सूख रहे हैं। इसको सूखते सूखते तकरीबन 10-12 घंटे हो गए हैं। जैसे ही ये सूख जाते हैं तो मैं वापस में लगाना चालू करूंगा। ओके, नाउ द शॉट दैट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ इज आफ्टर लाइक 2 days। सो दिस इज द हेलमेट, इज कम्प्लीटली ड्राई नाउ। एज यू कैन सी इट, इट्स वॉश्ड एंड इट्स क्लीन, एंड सो आर द पैड्स। सो दिस फोम पैड्स आर कम्प्लीटली ड्राई। तो अगर आप हेलमेट धोते हो तो मेक श्योर कि आपके पास कम से कम 2 दिन का टाइम हो, क्योंकि ये सूखने में बहुत टाइम लेते हैं। काफ़ी वॉर्न आउट हो गया है, लेकिन फिर भी कम चल जाएगा। ये इसका विंडशील्ड, उसको फिक्स करते हैं। हेलमेट को आप ऐसे रखो, टेक दिस फर्स्ट, बाहर निकालो, कीप इट लाइक दिस, अनअटैच दीज 2 buttons हियर, 1 and then 2, पुट इट लाइक दिस। फिर आपको ये लगाना है, इसमें लॉक्स हैं तो ये अपने आप बैठ जाएगा। बहुत सिंपल काम है, ऐसे आपको इसको पुश करना है। ये लॉक्स आपके बैठ गए और ये अंदर का मटेरियल आपका सेट हो गया। इसके बाद बारी आती है इन पैड्स की। तो ये लंबा हिस्सा जो होता है, ये हमेशा अंदर की तरफ जाता है, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है। अभी पूरा वॉर्न आउट हो गया है, उसका पंप अभी चलता नहीं है। उसको पहले ऐसे निकालिए, जो उसके बटन्स हैं ये बटन्स लगा दीजिए। तो हियर गोज द फर्स्ट वन, गोज द सेकंड वन, पंप एंड दिस बटन। नाउ इट विल बी इजीयर फॉर यू। को सिर्फ ऐसे पुश करना है और आपका जो फोम पैड है ये अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। That's it. ये आपका लग गया। फिर आती है विंडशील्ड की बारी। हर हेलमेट का विंडशील्ड का अलग मैकेनिज्म होता है, इसका थोड़ा ऐसा है। इसको आप ऐसे करिए, दोनों तरफ से लगाइए, इसको बैठा दीजिए। LS2 में काफ़ी इजी है ये, लाइक दिस। फिर बचा का चिन कर्टन। चिन कर्टन काफ़ी वॉर्न आउट है इसका, लेकिन फिर भी काम करता है। मुझे मोटर ब्लॉग में काम करता है, इसमें ज़रा हवा नहीं आती है। The helmet is now all clean and assembled, everything as it was. So even after using it for 3 years, it still looks very good because I take proper care of it. So that's it for today. Thank you for making me a part of your day. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करो, साथ में सब्सक्राइब बटन है वो प्रेस करो, और बेल आइकन तो जरूर दबा दो, क्योंकि मैंने देखा है सिर्फ 30% लोगों ने बेल आइकन दबा के रखा है। नोटिफिकेशंस बहुत ही कम जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज ऑन माई चैनल, एंड आई सी यू द नेक्स्ट वन। बाय बाय।